हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आवेश 25 माइक्रोकूलम मूल बिंदु पर स्थित है, इसके कारण बिंदु 3.4.0 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। ठीक बच्चों, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, हमें दिया हुआ है Q, कितना 25 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, और हमें बिंदु दिया हुआ है, कोई भी बिंदु मान लो, A मान लो, ये दिया हुआ है। इसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, बिंदु A के निर्देशांक बिंदु A के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, 3.4.0 मीटर। ठीक बच्चों, और हमसे पूछा गया है बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम जानते हैं E बराबर होता है KQ/R2। E बराबर KQ/R2। ठीक बच्चों, अब आप मुझे एक बात बताओ, K हम जानते हैं, के क्या होता है, के बराबर 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। के हमें पता है, क्यों हमारे पास है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या 25×10⁻⁶ कूलम। ठीक, अब हमें आर चाहिए, क्या चाहिए, आर। तो बच्चों, ये जो हमें निर्देशांक दिया हुआ है, इससे हमें बिंदु ए के लिए स्थिति सदिश लिखना पड़ेगा। आर सदिश बराबर क्या होगा, 3IK+4JK+0KK। अब R सदिश का मोड, मतलब R बराबर क्या होगा, IK गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट IK गुणांक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 के JK गुणांक का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट 9+16, ये हो जाएगा अंडर रूट 25। ठीक, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5, यानी R बराबर हमारे पास क्या आया, 5 मीटर। ये सारी वैल्यू जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो E बराबर क्या होगा, E बराबर K कितना, 9×10⁻⁹ Q कितना, 25×10⁻⁶ बटे, बोलो बोलो, आर कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर। बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो इस 5 के स्क्वायर से इसको काट सकते हैं। ठीक, देखो 9×10⁻⁶ कितनी बचेगी, बोलो, E बराबर क्या आएगा, E बराबर आएगा 9×10⁻⁹, 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3×10³ न्यूटन पर कूलम, और ये अपना आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, 15×10⁻⁴ कूलम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल लगता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखो, हमें Q दिया हुआ है, कितना, 15×10⁻⁴ कूलम। ठीक, और हमें F बराबर दिया हुआ है, इस पर लगने वाला बल क्या है, 4.5 न्यूटन। ठीक बच्चों, हमसे पूछा गया है E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, F बटे Q। क्या हमारे पास F है, हाँ, Q है, हाँ, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। तो रखो मान, 4.5×15×10⁻⁴। ठीक बच्चों, बोलो, यहाँ से पॉइंट हटाया तो कितना, 10। ठीक, तो यहाँ से इसको काटो कितनी बार, 3 बार, तो E बराबर क्या आएगा, E बराबर आएगा 3×10⁻⁴ और -1, तो E बराबर हमारे पास आएगा बच्चों 3×10³। ठीक, मात्रक क्या, न्यूटन पर कूलम, ये अपना आंसर। ठीक बच्चों, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है,
तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक अल्फा कण 15×10^4 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा है, इस पर लगने वाला बल बताइए। ठीक, अल्फा कण के बारे में कहानी दी गई है। अल्फा कण आप जानते हो, अल्फा कण क्या होता है, एच ई नाभिक के तुल्य होता है। ठीक, और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो उदासीन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तो ये तो उदासीन। ठीक है, और इस पर आवेश होता है धनावेश। तो मुझे बताओ अल्फा कण पर जो आवेश है वो कितना है, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। इसका मतलब n बराबर कितना है, n बराबर है कितना, 2। तो अल्फा कण पर आवेश क्या होगा, q बराबर 2×E, तो q बराबर हो जाएगा 2×1.6×10^-19 कूलाम। तो यहाँ से q बराबर आएगा 3.2×10^-19 कूलाम। ठीक बच्चों, और हमें विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E बराबर 15×10^4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, बल F पूछा है कि इस पर बल कितना लगेगा। तो हम जानते हैं चूंकि E बराबर होता है F/Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, QE F बराबर QE। तो बोलो क्या होगा, F बराबर क्यू कितना, क्यू बोलो 3.2×10^-19। हाँ, और E बराबर कितना, 15×10^4। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो F बराबर आपके पास आएगा 48×10^ कितना, -15 न्यूटन, और यही हमारा आंसर। ठीक बच्चों, ठीक, ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब हम 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित कर दे, यदि यह विद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन के नीचे स्थित दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न हो रहा है तो इनके मध्य दूरी क्या है। ठीक, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1×10^-31 kg। ठीक, इस द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर भार लगेगा, W बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी, तो क्या हो जाएगा ये 9.1×10^-31×10। इसे सॉल्व करोगे तो 9.1×10^-30। ठीक, अब भार लग रहा है नीचे, भार लग रहा है नीचे, अगर इसको संतुलित करना है, इसको संतुलित करना है तो मुझे बताओ विद्युत बल किधर लगना चाहिए, ऊपर। विद्युत बल किधर लगना चाहिए, ऊपर, FE। ठीक बच्चों, अब FE अगर ऊपर लगे तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बोलो, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या रहेगी, नीचे। मुझे कैसे पता चला कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन नीचे है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। बल अगर ऊपर है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, नीचे। एक और बात बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये विद्युत क्षेत्र एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न हो रहा है। ठीक बच्चों, और आप देख भी सकते हो इलेक्ट्रॉन को हमने नीचे रखा है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन नीचे की ओर। ठीक बच्चों, और हम जानते भी हैं कि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है। ठीक, इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं बच्चों। अब आगे सुनो, हमें सब कुछ पता है, हमें क्या क्या याद करना है सुने। पहली बात तो ये विद्युत क्षेत्र कितना है, ठीक, और दूसरी बात हमसे पूछी है कि इन इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक बच्चों, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, हम जानते हैं चूंकि बोलो E बराबर क्या होता है, F/Q, F कितना, FE/Q कितना, E। ठीक बच्चों,
आप मुझे बताओ ये दोनों बल आपस में बराबर होना चाहिए तभी ये इलेक्ट्रॉन संतुलन में रहेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन संतुलन में है तो ये दोनों बल आपस में बराबर होने चाहिए। इसका मतलब Fe बराबर W बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू G, ठीक। और इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर रखी है। तो Fe बराबर कितना है? Fe बराबर है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 30, ठीक है। हाँ न्यूटन बोल दो इसे, बोलो यहाँ से। और स्मॉल e की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो e बराबर, बोलो e बराबर क्या आएगा? e बराबर है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 30 बटे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, ठीक है बच्चों। जब आप इसे सॉल्व करोगे, कर लो सॉल्व, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 91/16 इंटू 10 की घात माइनस का 30 प्लस का 19, ठीक। तो क्या आएगा बोलो? ई बराबर 2 91 में 16 का भाग, 16 पंजे 80 कितना बचा? 11। तो पॉइंट लगाओ कितना हो जाएगा? 110। 16 छिन्न में, ठीक, इंटू 10 की घात बोलो माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। तो ये तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र आया है। अब हम जानते हैं चूंकि E बराबर क्या होता है? KQ/R², तो यहाँ से R स्क्वायर बराबर क्या होगा? KQ/E, बोलो यहाँ से R बराबर हाँ, ये Q कितना है? KQ E के बराबर बटे कैपिटल E, तो R बराबर क्या आएगा? √KE/E, बोलो √K कितना? 9 × 10⁻⁹ कितना? 1.6 × 10⁻⁹ बटे 5.6 × 10⁻⁹ −11, ठीक बच्चों। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 मीटर, ठीक बच्चों, और यही हमारा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अल्फा कण से 3 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ठीक बच्चों। देखो R बराबर हमें दिया हुआ है 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अल्फा कण मतलब वापस वही कहानी, HE नाभिक के तुल्य होता है, और HE नाभिक के तुल्य होता है मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब हमें एक बात समझ में आ गई, स्मॉल n बराबर कितना? 2। तो q बराबर क्या हो जाएगा? n इसे 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो q बराबर हो जाएगा बच्चों 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। q है, r है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻⁰ मीटर। तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 3 × 10⁻⁰ मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E = KQ/R², तो E बराबर हमारे पास होगा बोलो 9 × 10⁻⁹ Q कितना? 3.2 × 10⁻⁹, ठीक, बटे 3 × 10⁻⁰ बोलो 9 × 3.2 × 10⁻⁹ × 3² 9 × 10⁻⁹ × 10⁻²⁰, ठीक बच्चों। 9 से 9 कैंसिल, तो E बराबर क्या आएगा? E बराबर हमारे पास होगा बोलो 3.2 × 10⁻⁰ + 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, और यही हमारा आंसर, ठीक बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश 1 × 10⁻⁷ कूलम व 2 × 10⁻⁷ कूलम परस्पर 1 सेमी दूरी पर स्थित है,
प्रत्येक आवेश द्वारा दूसरे की स्थिति पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, दो आवेश है, ये आवेश 1×10⁻⁷ कूलाम का है, ये आवेश 2×10⁻⁷ कूलाम का है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है कितनी बच्चों, 1 सेंटीमीटर, 1 सेमी। ठीक है, मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 सेमी को लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है बच्चों, हाँ हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक के कारण दूसरे की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम इसको नाम दे देते हैं Q1 और इसको नाम दे देते हैं Q2। इसके कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसे हम नाम देते हैं E1। Q1 के कारण Q2 की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्या होगा, KQ1/R². ठीक है बच्चों, तो यहाँ से E1 बराबर क्या होगा, K की वैल्यू 9×10⁻⁹ कितना, 1×10⁻⁷ R कितना, 10⁻²². तो E1 बराबर होगा 9×10⁻⁷ × 10⁻⁷, ये -4 होगा और ऊपर जाएगा तो +4। तो E1 बराबर होगा 9×10⁻⁷ + 9 - 7 + 4। तो E1 बराबर होगा 9 में से 7 गए 2 और 2 और 4 6, 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। ठीक बच्चों, इसी तरह Q2 के कारण Q1 की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र बोलो E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर होगा बच्चों KQ2/R², K कितना, 9×10⁻⁹ कितना, Q2 बोलो 2×10⁻⁷/(10⁻²), इसका होल स्क्वायर। तो E2 बराबर क्या आएगा, E2 बराबर होगा 9×2 = 18, 18×10⁶ न्यूटन पर कूलाम, और यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, सही है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो दो बिंदु आवेश QA = 3 µC व QB = -3 µC निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। पहला पॉइंट ए, दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। और दूसरा पॉइंट बी है बच्चों, यदि 1×5×10⁻⁹ परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो उस पर बल ज्ञात करें। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ये बिंदु A और ये बिंदु B। यहाँ जो QA आवेश रखा हुआ है ये कितना है, 3 µC। 3 µC बराबर 3×10⁻⁶ कूलाम। ठीक, QB बराबर कितना, QB बराबर है -3 µC, मतलब बच्चों -3×10⁻⁶। अच्छा, इसको थोड़ा सीधा लिख देते हैं, बढ़िया लगेगा। बोलो -3 µC बोलो किसके बराबर, -3×10⁻⁶ कूलाम। दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 20 सेमी, कितनी 20 सेमी। इन दोनों के बीच में बिल्कुल मध्य बिंदु है, इस बिंदु को नाम दिया O। तो O से लेकर B तक की दूरी कितनी 10 सेमी।
इसे लिख सकते हैं 10^-1 मीटर। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेमी, इसे भी लिख सकते हैं, बोलो 10^-1 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपसे कहा गया है कि बिंदु O पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यदि बिंदु O पर एक आवेश रखें Q बराबर कितना कितना 1.5 × 10^-9 कूलम। तो इस पर बल कितना लगेगा? तो पहली बात तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। पहला पॉइंट, बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बोलो क्या होगा? E बराबर देखो इस A के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में, बोलो इस डायरेक्शन में, मतलब EA सदिश। इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में, इसको नाम दिया EB सदिश। ठीक है, क्योंकि EA सदिश और EB सदिश दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए परिणामी तीव्रता EA प्लस EB होगी। होगी क्या नहीं होगी? होगी। E बराबर बोलो KQ1 QA/R² + KQB/R²। आप देखो चूंकि QA बराबर है QB के, चूंकि दोनों आवेश प्रकृति में विपरीत है लेकिन परिमाण तो सेम है, इसका मतलब ये बराबर किसके है? Q के। तो इसे लिखा जा सकता है E बराबर KQ/R² + KQ/R². ठीक है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2KQ/R². तो E बराबर बोलो 2 × K की वैल्यू 9 × 10^9 × Q कितना 3 × 10^-6/10^-1² ठीक है। इसे सॉल्व करो, E बराबर क्या आएगा? E बराबर आएगा 9 × 27 = 54 × 10^+9 − 6, और ये −2 आएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा +2। ठीक है, तो E बराबर क्या आएगा? E बराबर आएगा बच्चों, E बराबर आएगा 54 × 10^, बोलो 9 और 2 = 11, 11 में से 6 गए, कितने बचेंगे? +5 N/C। ये तो हमारे पास बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र आया है। अब हमें इस आवेश पर बल ज्ञात करना है, तो क्या होगा? चूंकि F बराबर QE, तो F बराबर बोलो Q कितना 1.5 × 10^-9 × 54 × 10^+5। F बराबर जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास F आपके पास आएगा 81 × 10^, बोलो −4 N, और यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बिंदु A 1.2.4 मीटर पर 1 µC आवेश रखा है, बिंदु B 2.3.5 मीटर पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक बच्चों, हमें दो बिंदु दिए हुए हैं। पहला बिंदु है, इसको मान लो A, इसके निर्देशांक हमें क्या दिए हुए हैं? 1.2.4 मीटर। ठीक, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है 1 µC का, 1 µC। ठीक है, यहाँ से दूसरा कोई बिंदु है B, इस B बिंदु के निर्देशांक है 2.3.5 मीटर। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता कितनी है, इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता कितनी है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, ये 7वां था।
ठीक है, बोलो बोलो। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए r, क्या चाहिए r, ये तो q तो हमारे पास है ही सही, हमें क्या चाहिए r। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा सकते हैं क्या, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से r बराबर क्या होगा, आप जानते हो अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर यानी दो माइनस एक का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर यानी तीन माइनस दो का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाँच माइनस चार इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो r बराबर क्या आएगा, r बराबर होगा अंडर रूट, बोलो एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर यानी क्या आएगा अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन, ये हमारे पास r आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, लगाओ फॉर्मूला, e बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, e बराबर के कितना बोलो फटाफट, के कितना 9 इंटू दस की घात 9 इंटू क्यू कितना एक माइक्रो कूलाम यानी 10 की घात माइनस 6 कूलाम बटे आर कितना अंडर रूट तीन मीटर यानी अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर, e बराबर बोलो 9 इंटू दस की घात प्लस तीन बटे तीन, ठीक है, तीन से कटेगा कितनी बार तीन बार, तो e बराबर हमारे पास आंसर आएगा बच्चों तीन इंटू दस की घात प्लस तीन न्यूटन पर कूलाम, और यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को पाँच इंटू दस की घात छः मीटर पर सेकंड के वेग से 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में छोड़ा जाता है, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है कि यह इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करे, तो बताइए यह इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तक चलेगा तथा इसे विराम अवस्था में आने में कितना समय लगेगा। ठीक बच्चों, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहली बात बोलो वेग दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है कितना 5 इंटू दस की घात 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e बराबर बोलो 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बस इसके बाद आपसे कहा गया है विराम अवस्था में आने तक कितनी दूरी चलेगा। ठीक, और दूसरी बात इसे विराम अवस्था में आने में कितना समय लगेगा, मतलब v बराबर कितना, जीरो मीटर पर सेकंड। ठीक है, पूछा क्या है, एक तो हमसे पूछा है s यानी कितनी दूरी चलेगा, दूसरा पॉइंट हमसे पूछा है t कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ देखो, अब यहाँ पर u है, v है, s और t पूछा है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे गति की समीकरण याद आ रही है। गति की समीकरण क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, गति की समीकरण है, प्रथम समीकरण फर्स्ट क्या है, v बराबर u प्लस at, सही है, सेकंड s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड बोलो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये त्वरित गति के लिए है, लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये समीकरण माइनस चिन्ह के साथ रहेगी, मंदित गति मतलब नेगेटिव साइन। ठीक, बोलो अब आप यहाँ से देखें तो हम s और t ज्ञात करने के लिए गति की कौन से समीकरण लगा सकते हैं, फर्स्ट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि v है u है, t भी नहीं है और a भी नहीं है, सेकंड s ज्ञात करना है a भी नहीं है, थर्ड s ज्ञात करना है और a नहीं है, इसका मतलब मुझे a भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, a त्वरण भी हमें ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, अब हमें त्वरण भी ज्ञात करना है, तो मुझे एक बात समझ आती है, मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ f बराबर m a, f बराबर m a समीकरण नंबर एक, और चूंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, इसका मतलब एक और फॉर्मूला जानता हूँ, f बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू
ई। समीकरण एक व समीकरण दो से, एक व समीकरण दो से बोलो एम ए बराबर किसके, क्यू ई के। ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई बटे एम। ठीक है, क्यू कितना, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई विद्युत क्षेत्र बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सारी वैल्यू रखो, 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू ई कितना, 10³ बटे 9.1 × 10⁻³¹। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1.8 × 10⁻¹⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आया है ए। अब ए हमारे पास आ गया है तो गति की तृतीय समीकरण से बोलो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ से वी कितना, 0 स्क्वायर बराबर, अच्छा माइनस साइन लेना है, ध्यान रखें। यू कितना, 5×10⁶ इसका होल स्क्वायर माइनस 2a। ए कितना बोलो, ए कितना, 1.8×10⁴ इंटू एस। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, 3.6×10⁴ इंटू एस बराबर किसके, 25×10⁻¹². तो यहाँ से एस बराबर क्या आएगा बच्चों, एस बराबर आएगा 25×10⁻¹² बटे 3.6×10⁻¹². ठीक, तो ये हमारे पास आएगा जब आप इसे सोल्व करोगे 7 सेमी, जिसे हम लिख सकते हैं 0.07 मीटर। ठीक बच्चों, आगे अगला पॉइंट अभी हमें ज्ञात करना है। क्या पूछा है अगला पॉइंट बोलो, अगला पॉइंट क्या है, रुकने में कितना समय लेगा, गति की प्रथम समीकरण से वी बराबर यू प्लस सॉरी माइनस 80। तो वी कितना, 0 बराबर यू माइनस 80। तो यहाँ से 80 बराबर कितना, यू टी बराबर बोलो यू बटे ए। यू कितना, 5×10⁶ बटे 1.8×10⁴। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास टाइम आएगा 2.9×10⁻¹⁸ सेकंड। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, पहले इसे मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुवत आवेशों वाले किसी निकाय एस के कारण पी बिंदु पर स्थित -3 μC आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल एफ सदिश बराबर 21 IK + 9 JK μN है। पहला पॉइंट ज्ञात करना है, निकाय एस के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है, अब यदि -3 μC को हटाकर बिंदु पी पर 2 μC आवेश रखें तो इसके द्वारा अनुभव किया गया बल कितना होगा। ठीक बच्चों, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, हमें क्यू दिया हुआ है कितना, -3 μC, और एफ सदिश दिया हुआ है कितना, 21 IK + 9 JK μN है ना। ठीक, और हमसे पूछा है तीव्रता, तो चूंकि हम जानते हैं E बराबर होता है F सदिश बटे Q, E सदिश बराबर होता है F सदिश बटे Q, तो यहाँ से F सदिश कितना है, 21 IK + 9 JK
इंटू 10 की घात माइनस 6 चूँकि माइक्रो न्यूटन है बटे 3 माइनस 3 इंटू 10 की घात माइनस 6 इससे ये कैंसिल तो ई सदिश बराबर आएगा, ई सदिश बराबर क्या होगा 21 में भाग लो माइनस 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप न्यूटन पर कूलम। इसे हम लिख सकते हैं बच्चों ई सदिश बराबर माइनस 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप न्यूटन पर कूलम। ये पहला पॉइंट तो हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है। दूसरा पॉइंट है कि इस 3 माइक्रो कूलम आवेश को हटाकर अब यदि उस बिंदु P पर 2 माइक्रो कूलम का आवेश रख दें तो अब 2 माइक्रो कूलम के आवेश पर बल कितना लगेगा। 2 माइक्रो कूलम के आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, F डैश सदिश मान लो ये बराबर होगा Q इंटू इसे, Q इंटू इसे। तो बोलो F डैश सदिश बराबर होगा Q कितना, 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू E कितना माइनस 7 आई के प्लस 3 जे के। ठीक है, करो सॉल्व। F डैश सदिश बराबर आएगा माइनस 7 दूनी 14 आई कैप प्लस 3 दूनी 6 जे कैप और 10 की घात माइनस 6 इंटू 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। तो इसे लिखा जा सकता है बच्चों F डैश सदिश बराबर माइनस 14 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइक्रो न्यूटन और यही हमारा आंसर। ठीक बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अच्छे और नए न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।